नमस्ते, मेरे इस ब्लॉग में सबका स्वागत है। भाई लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे, मैं कमेंट में जो भी आदमी लिखता है मैं उनका जवाब दे देता हूँ, है ना। अभी जा रहा हूँ सुबह सुबह काम करने के लिए, अभी 6:30 बज रहा है, अंधेरा ही है। दिन इधर अभी ठंड है, ठंड की वजह से अभी दिन साफ होने में टाइम लगता है। अभी आगे महीने में नवंबर दिसंबर में 8-9 बजे दिन निकलता है। इधर ठंड बहुत पड़ती है रसिया में, अभी जैसे अपने इंडिया में नवंबर दिसंबर में ठंड पड़ती है वैसा ठंड इधर अभी चालू हो गया। देख रहा था कमेंट, एक भाई है दिल्ली में, सुरेश बोल रहा है कि 56 साल उम्र में, मैं इधर देखे हुआ हूँ सिलाई के काम में जिसे हम लोग काम करते हैं उसमें लगभग 45 काम करते हुए देखे हैं, बाकी 56 साल के मुझे अभी तक देखा नहीं जो हमारे साथ में काम करता है। आता होगा, आप कोशिश कीजिएगा। दिल्ली में ऑफिस है, जब मैं पहला दफ़ा आया था दिल्ली रशिया तो मेरा पासपोर्ट टिकट टुकट सब दिल्ली से मिला था। दिल्ली में ऑफिस कहाँ पर है मुझे ध्यान से उतर गया है, बताऊंगा मैं। और रहा रसिया में बहुत लोग आते हैं काम करने, और एक और भाई पूछ रहा था कितने साल से हो रसिया में, तो भाई मैं रसिया में लगभग ये मेरा दूसरा सफ़र है, सब मिला के लगभग 4 साल होने वाला। मेरी उम्र की बात कीजिएगा, 30 होता होगा मेरी उम्र, 30 है, 30 पासपोर्ट के हिसाब से 30 साल उम्र है। रसिया आ सकते, रसिया आना बहुत आसान है, सिर्फ एक मेडिकल चेकअप होता है, डॉक्टर लाल पैथर आपको यहाँ से एप्लीकेशन लेटर जाएगा, निमंत्रण जाने के बाद वहाँ सिर्फ इंडिया में डॉक्टर लाल पैथर का मेडिकल होगा, ब्लड जांच, वो जांच लगभग 1000 रुपये के नीचे होगा, 1500 के बीच में। और कैसे नंबर प्राप्त करें ऑफिस का, आप लोग अगर पेपर पढ़ते हैं तो पेपर वाला से कोई एक पर्ची आता है, 10-15 रुपये में पर्ची देता है, आप लोग वो पर्ची मांग सकते हैं पेपर वाला से बाहर के जॉब के लिए। ऑफिस वाला सब छापता रहता है, मैं भी रोड क्रॉस कर रहा हूँ, देखिए ये जेवड़ा क्रॉसिंग था, रोड क्रॉस कर लिए, तो इंडिया के जैसे नहीं है, यहाँ कानून सब पे लागू होता है। तो पेपर की बात कर रहा था, जो पेपर अखबार बेचता है कहीं पे भी फुटपाथ पे पेपर जो बेचता है वहाँ पे आप लोग एक पेपर आता है बाहर के जॉब के लिए, तो हर अखबार वाला रखे रहता है पेपर, तो आप वहाँ से एक पेपर ले और जॉब के बारे में देखिए, कोई भी काम में आप लोग जा सकते हैं। हेल्पहड़ी में बहुत कम सैलरी रहता है, इसीलिए हेल्पहड़ी में कोई जाना नहीं जाता अभी। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, और अभी तक मेरा वीडियो देख देख के जो भी आदमी बाहर के लिए काम करवाए भाई मैं जानना चाहता हूँ। और मेरे सब्सक्राइबर बहुत भाई साहब है, बहुत लोग हैं दोस्त लोग, बहुत मोटिवेट करता है उन लोग जो इतना हमें मोटिवेट करता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचने वाला कंपनी दिखाता हूँ, कंपनी ये देखिए कंपनी पहुँच गया, हम लोग मिलते हैं आगे वीडियो में। अगर कोई सवाल है कोई जवाब तो बिंदास कमेंट कीजिएगा। ऑफिस मैं बोलता एजेंट से बच के रहिए, एजेंट लोग को मालूम नहीं रहता, सिर्फ बोलता है मैं करवा दूंगा जल्दी से जल्दी, और बोलता है दूर का ढोल सुहाना नज़र आता है, आप लोगों को बहुत सारा सपना दिखाएगा, कितना सैलरी मिलेगा, इतना डॉलर मिलेगा। रसिया में डॉलर नहीं चलता, रूबल चलता है, और अभी बहुत करेंसी डाउन है, अपना इंडिया और रसिया से करेंसी बहुत डाउन है। बिल्डिंग में पहुंच गए,
ये हमारे साथ शंभू है। शंभू ये हमारे यूपी और बिहार के बॉर्डर में रहते हैं। मिलते हैं आगे वीडियो में, मिलते हैं आगे वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखिए और शेयर कीजिए कि एजेंट से बचे और अच्छा से अच्छा ऑफिस खोजिए आप लोग।